एक तो है ना आयशा, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैं तो घबरा ही गई थी। जान सुली अटकी हुई है समीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। ऐसा क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। पहले वादा करो तुम इनकार नहीं करोगे। क्या बात हो गई जिसके लिए तुम्हें मेरे वादे की जरूरत पड़ गई है? बस यूं समझ लो कि इस घर का सुकून तुम्हारे वादे पर टिका हुआ है। तुम्हारा इकरार ही मेरे दानियाल को उस दलदल से बचा सकता है जिसमें वो दिन ब दिन धसता चला जा रहा है। प्लीज समीना, इनकार तो नहीं करोगी ना? तुम कहकर तो देखो। रिजा, मैं रिजा को इस घर की बहू बनाना चाहती। मगर इस तरह अचानक से? तुम तो मेरी ख्वाहिश से हमेशा से वाकिफ हो ना, फिर क्यों झिझक रही हो? वो तो ठीक है आयशा, रिजा इस घर की बहू बने, मेरी इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं, लेकिन दानियाल, तुम तो जानती हो ना ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। और रही बात दानियाल की, तो उसे मैं मना लूंगी। वो मान जाएगा? जवाब नहीं दिया तुमने, बोलो मना लोगी ना दानियाल को? मैं मना लूंगी उसको। तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज कैसा, रिजा तुम्हारी बेटी है, जब चाहे आकर ले जाओ। कब आ रही हो? इसी जुमे को। जुमे को? जुमे में तो दो दिन है सिर्फ। हाँ जमीना, मुझे जल्दी है, इस जुमे को हम निकाह कर लेते, बाद में रुखसती की तारीख रख लेंगे। लेकिन इतनी जल्दी, मुझे कुछ तैयारी भी तो करनी है ना? किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस चंद लोग बुलाएंगे और निकाह कर देते हैं, रिसेप्शन बाद में करते रहेंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है आखिर? मुझे जल्दी है, मुझे दानियाल को उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है। ये सिलसिला तो खत्म नहीं हो गया था, तुमने ही तो बताया था। मैं भी यही समझती थी, पिछले कुछ महीनों से मैंने दानियाल में जो चेंजिंग्स देखी, मुझे लगा कि ये लोग अब रबते में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये मेरी खुशफहमी थी। ये लोग रबते में भी हैं और दानियाल उस लड़की से शादी के ख्वाब भी देख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी समीना, कभी नहीं होने दूंगी। तुम ये सब जानते हुए भी रिजा का रिश्ता मांग रही हो, मेरी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा रही हो? नहीं समीना, कैसी बातें कर रही हो, रिजा का मैं ख्याल रखूंगी, मैं हूं ना। लेकिन आशा, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो जाएगी, दानियाल कभी भी उसको दिल से कबूल नहीं करेगा। निकाह में बहुत ताकत होती है समीना, निकाह के बाद दानियाल उसके शहर से निकल जाएगा और फिर मैं इन दोनों को उनके पापा के पास भेज दूंगी, तुम बस हाँ कर दो। जवाब दो समीना, क्या तुम्हें मेरे बात का एतबार नहीं है? मुझे मंजूर है। थैंक यू समीना, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, थैंक यू सो मच।